ओके तो कंटिन्यू करते हैं, हम क्वेश्चंस इसी पे कर रहे थे। ठीक है, अगर वर्क डन का फॉर्मूला देखा जाए रोटेशन में, वो क्या होता है, क्या था वर्क डन का? टी डॉट थीटा इंटीग्रेट ठीक है, एवरेज निकालना, ठीक है। टी ओ सॉरी टाउ टॉर्क टाउ डॉट डी थीटा है ना? ठीक, थीटा। ओके यस सर। ठीक है जी। तो कुछ और क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस करेंगे अभी, उसके बाद होमवर्क डिस्कस करते हैं हम लोगों का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये, सर ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है ना? यस सर ये मॉड्यूल का है ना? ये यस सर। अभी निकाल दो। आंसर जो है, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए इसकी। दमन प्लस डाउट ही था सर, अब दोबारा ट्राई करता हूँ। डाउट था। ठीक है करो। हाँ दमन, तुमने तो ठीक निकाला हुआ है। बस एक नहीं किया था ये, होमवर्क करके आई है जनता सारी बाकी। हाँ भाई जागृति, ठीक है। अभी किया, पहले किया था? से पहले किया हुआ था, पर मैं एक बार चेक कर रही थी कि वही क्वेश्चन है ना, कहीं और हो कोई। प्रदीप सही है। गुनबीन करेक्ट। यस्तिका, अर्चना, आंसर आंसर। नितेश, यस सर, स्क्रीन नहीं दिख रही सर मुझे, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, अब भी आई नहीं।
अभी दिख रही है? यस सर। पूरा आंसर ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज 1 kg m³। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका दे रखा है, ये डिस्क है जिसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी गिवन है। इनिशियली कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है ये? 100 rads/s। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो गिवन है हमें 1 kg m². अब क्या किया, अ सेकंड डिस्क ऑफ सेम मास एंड रेडियस, आइडेंटिकल डिस्क, दो डिस्क यहां पे लगा दी, एक ये और जो एक पहले थी इसके ऊपर एक और लगा दी, इज जॉइंड कोएक्सियली। कोएक्सियली का मतलब सेम एक्सिस। अगर सेम एक्सिस पे एक और डिस्क रख देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आ जाएगा टोटल सिस्टम के? यस सर। तो ओमेगा में भी चेंज आ जाएगा, तो यहाँ पे ओमेगा मान लो ओमेगा डैश हो गया, ठीक है, नहीं सी नहीं है, तो यहाँ पे ओमेगा डैश हो जाएगा और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका भी आई है, इसका भी आई है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? 2i, मतलब 2 kg m². तो यहाँ से मैं फाइनल ओमेगा निकाल सकता हूँ, हाँ ना? ओमेगा टू मेरे पास कितना आ गया सॉल्व करके 50 रेडियन पर सेकेंड। अब मेरे पास ओमेगा तो आ गया, अब पूछा क्या उसने, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो दैट मींस मुझे डेल्टा के निकालना है, ऑब्वियसली रोटेशन वाली चाहिए मुझे, तो वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। सर फाइनल माइनस इनिशियल, हाँ ठीक है, वो माइनस में आ जाएगी। यस सर, फाइनल वाली कम है ना, तो आंसर माइनस में आ जाएगा। अपने को तो मैग्नीट्यूड चाहिए, राइट? तो काइनेटिक एनर्जी अभी इनिशियल कितनी है, सिर्फ इनिशियली में सिर्फ एक घूम रहा है? यस सर। हाफ इनटू 1 ओमेगा स्क्वायर। यस सर। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लगा रहा हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा फाइनल में कौन कौन घूम रहा है, दो लोग घूम रहे हैं? यस सर। हाफ इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2i (2)(100)²-(1)(2)² टू तो कटी गया (t²) और इसको सॉल्व करके ये 10,000 - 2500 तो आएगा मेरे पास यस सर 2500 जूल। किलो जूल में पूछा है उसने, दैट इज 2.5। क्लियर? यस सर। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बॉडी इज बीइंग एक्टेड अपॉन बाय अ टॉर्क गिवन बाय tau is equal to 1 plus 2 theta plus 3 theta square newton meter. Find the change in rotational kinetic energy of the body if the body rotates by 10 radians. ठीक है, यहां पे हमें अज्यूम करना है initial theta is equal to 0. Gunween, good, correct. हाँ भाई, बाकियों को चमक रहा है, करना क्या है, मतलब लगेगी कौन सी इक्वेशन इधर? सर थीटा के टर्म्स में आंसर, थीटा के टर्म्स में आंसर तो नहीं आएगा क्योंकि हमने 10 रेडियंस गिवन है क्वेश्चन में. ओके ठीक है. करेंगे क्या, स्टेप क्या होगा पहला? सर इंटीग्रेशन. यस, हमें डेल्टा के निकालना है. डेल्टा के क्या होता है? वर्क डन के बराबर होता है वर्क एनर्जी थ्योरम से. एंड वर्क डन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा. यस सर.
टॉर्क जो है वो यहाँ पे वेरिएबल है या कांस्टेंट है? नितिश करेक्ट आंसर। हाँ टॉर्क भाई वेरिएबल है या कांस्टेंट टॉर्क है? बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से या नहीं निकाल सकते? नहीं वेरिएबल वेरिएबल है। यस सर यस सर। थीटा के साथ वेरी कर रहा है? अरे दिख तो रहा है सामने लिखा है। ठीक है तो ये वेरी कर रहा है, इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। दैट इज 1 प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा स्क्वायर डी थीटा। और यहाँ पे लिमिट्स किसकी डलेंगी इंटीग्रेशन में? थीटा थीटा के लिमिट्स डलेंगी। और थीटा इनिशियल कितना है? जीरो जीरो। और फाइनल कितना है? टेन टेन। बस अब तो इंटीग्रेशन है बाकी। इंटीग्रेशन याद नहीं होगी है ना? याद है? यस जागृति है? जागृति नहीं है। दमन दमन अनम्यूट कर। यस सर। वन की इंटीग्रेशन क्या होती है? डी वन डी थीटा की सर। थीटा थीटा ओके। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टू थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ थ्री थीटा स्क्वायर डी थीटा। 0 to 10, 0 to 10, 0 to 10। डी थीटा की इंटीग्रेशन है थीटा फ्रॉम 0 to 10 प्लस 2 थीटा की आ जाएगी 2 थीटा स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 to 10 प्लस थीटा स्क्वायर की क्या आ जाएगी? क्यूब थीटा 3/3 फ्रॉम 0 to 10। तो देयरफॉर W कितना आ जाएगा? 10 प्लस 100 प्लस 1000 दैट इज 1110 जूल। और यही डेल्टा के है सर। यूनिट जूल ही होगी इसकी। बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी है। डन है काइनेटिक एनर्जी है। चमका यस सर। यस सर। ठीक है एक और दूं ऐसे ही? यस सर। यस सर। दिल दहलाने वाला। अ बॉडी इज दे दो सर। एक्टेड अपॉन बाय अ टॉर्क ऑफ 10 न्यूटन मीटर for 10 seconds. If the moment of inertia of the body is 2 kg meter square, find the final kinetic energy attained by the body if initially it was at rest.
ढंग से दिमाग लगाना, क्वेश्चन सीधा नहीं है। वेरी गुड गुनवीन, वेरी गुड। इस पे तो चॉकलेट बनती है गुनवीन की, इतना तेज आंसर देने के लिए। ठीक है, डेयरी मिल्क की दूंगा। जागृति कहाँ घूमने गई थी? सर लैपटॉप हैंग हो गया था, बंद करके चलाया। और अच्छा। कैसे? दमन? ना भाई, करेक्ट दमन। प्रदीप एंड नितिश? नो, प्रदीप ना। जागृति करेक्ट। ठीक है, 1 मिनट सर। 1 मिनट। अरे बाकी जनता ने हथियार गिरा दिए क्या? अरे ट्राई तो करो। क्वेश्चन के पीछे ऐसे पड़ जाना चाहिए, अबे निकलता क्यों नहीं, जब बाकी लोग दे सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं।
नहीं नितेश, जागृति। वैसे अगर तुम्हारी सिर्फ पहली लाइन होती तो फिर तो पार्टी बनती। अच्छा पर साथ में दूसरी भी है। जागृति ने नया लैपटॉप लिया भाई, पार्टी ले लेना इससे, लेकिन पहले दिन ही हैंग हो गया जरा। हैंग ना हो प्लीज अभी। ओके चलो देखते हैं इसको। हमें क्या करना है, फाइंड दी काइनेटिक एनर्जी अटेंड बाय दी बॉडी। इनिशियली रेस्ट पे है, इनिशियली रेस्ट पे है मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, वही फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। डेल्टा के इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल है जीरो, काइनेटिक फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल, और ये बराबर होता है डब्ल्यू के, और ये बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डी थीटा के। हाँ के ना। यस सर। अच्छा जी, अब टॉर्क तो अपने को दे रखा है कॉन्स्टेंट, अब बाहर भी निकल जाएगा कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन डी थीटा की तो इन्फॉर्मेशन ही कोई नहीं है, अब क्या करेंगे। हाँ सही बात है नितेश, करेक्ट है आंसर। अब डी थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, ओमेगा मेरे पास होता है क्या, डी थीटा बाय डी टी। हाँ के ना, यस सर। यहाँ से यस डी थीटा को लिखा जा सकता है ओमेगा डी टी। अब यस ओमेगा भी नहीं है, ओमेगा क्या चीज होती है, एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस, यस सर। यस सर। जो कि आएगी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी से। यस सर। यस सर। ये इक्वेशन लग सकती है, क्यों लग सकती है, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट होगा इस केस में। देखो यस सर। इक्वेशन ये तभी लगेगी अगर अल्फा कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो लगा सकते हैं, अल्फा कांस्टेंट है कि नहीं है वो कैसे पता लगा, सर सिर्फ टॉर्क फोर्स कांस्टेंट कौन, है। टॉर्क कांस्टेंट। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, तो अल्फा जो है वो कांस्टेंट आ गया तो ये लग जाएगी, कोई दिक्कत है नहीं। ओमेगा नॉट तो जीरो है इनिशियल, वो घूम ही नहीं रहा था, तो हम बोल सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी है, क्योंकि ओमेगा नॉट कितना है, जीरो है। अरे समझ में आ रहा है साथ साथ में, तो यस सर। यहां से मेरे पास कितना आ गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो मेरे को चाहिए थी, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डी थीटा की वैल्यू डाल रहा हूं, ओमेगा डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क, ओमेगा को डाल दिया अल्फा टी डी टी। अल्फा और टॉर्क जो है कांस्टेंट, दोनों को बाहर निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं नहीं है। है, तो टॉर्क और अल्फा निकलेंगे बाहर इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। यहाँ पे लिमिट्स किसकी डलने वाली हैं, टाइम की टाइम टाइम की, की इनिशियल जीरो, फाइनल कितने टाइम के लिए घुमाइए, कितने टाइम के लिए टॉर्क टेन लगे, सेकेंड्स फाइनल टाइम टी डाल लो वैल्यूज, जाएगा टॉर्क की वैल्यू कितनी है 10। टेन, अल्फा कितना आ जाएगा टॉ बाय वो निकल आई, दो पाए ये 10 बाय आई कितना है 2, तो कितना आ गया फाइव। 5, अल्फा निकला है अपने पास, डाल दो 5, और टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, टेन टी आए स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 to 10। बस काम तो निपट लिया अपना, KF कितना आ गया 50 × 100/2, दैट इज 2500 जूल। हाँ जी सर, जो इंटीग्रेशन वाला ना लगा के अगर दूसरा लगा ले मेथड। लगा यस सकते सर। हैं, मैंने भी बिना इंटीग्रेशन के बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक सर, सीधा ही वहां से अल्फा 5 निकाल के उसमें पुट कर दिया हाफ आई ओमेगा बिल्कुल स्क्वायर में, क्योंकि करेक्ट, फाइनल ही होनी चाहिए, बिल्कुल करने की जरूरत ही नहीं सर इतना। ये है ना, कौन सा बता जरा। सर मैंने वैसे ही जैसे आपने अल्फा 5 निकाला है मेरा आ गया सर वैसे अल्फा और फाइव। अपने को उसके दे बाद रखा है 10, मैंने आई दे रखा है 2, देयरफॉर अल्फा कितना आ जाएगा 5, 5 आ गया सर। ठीक है जी। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन उसके में बाद डाल सर दो काइनेटिक फर्स्ट इक्वेशन। एनर्जी निकालनी थी सर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल उतनी होगी बिल्कुल, ओमेगा हाफ इज 0 आई प्लस ओमेगा स्क्वायर 5 × t कितना है 10, टेन ये फिफ्टीन फाइनल है 50। यस सर।
इनिशियल कितना है? जीरो है। सर मैंने इसे फाइव ले लिया था दो बार तो गलत आ गया मेरा। अच्छा तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास क्या फाइंड करनी थी? डेल्टा के विच इज के फाइन माइनस के इनिशियल इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस जीरो। आई कितना है? टू। टू फिफ्टी करके खत्म। कुछ भी यूज कर लो। यस डन क्लियर। यस सर। बाकियों को चमक गया? ठीक है निम्रत। ओके ठीक है अभी तुमने भी आई की वैल्यू गलत ले ली। अरे नितिश और प्रदीप ने आई की वैल्यू गलत ले ली, जान के दुख हुआ मेरे को। कोई नहीं सर मैंने निकाल दिया एंड में। ठीक है चले आगे। हो गया जी? यस सर। ठीक है यस सर। तो इससे अपना ये काम तो हो गया खत्म, पावर एनर्जी वाला राइट। अब इसकी करते हैं एक्सरसाइज। ओके okay.